रिव्यू मिला, बहुत लोगों से मिले, घूमे, देखे, बहुत अच्छा रहा। हम तो पूरे बिहार के हर जिले में घूमे हैं, और जहाँ तक यहाँ की बात है तो जब हम दौरे पर थे और पटना लौट रहे थे तो उसी सिलसिले में 3 दिन हम 3 जगहों पर जा कर के यहाँ का भी देखे थे। इसलिए सीधे यहाँ पर ये मीटिंग खाली बचा हुआ था तो आज मीटिंग होगी, तो सब जगह तो हम लोग कर लिए पूरे तौर पर, हर जगह का सब जगह जा कर के देखना, लोगों की बात को सुनना। तो जो उद्देश्य था कि जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं उसकी प्रगति कैसी है, या उसके अलावे और क्या किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले, तो यही इसका उद्देश्य रहा है। तो इसी उद्देश्य से सब जगह घूम गए हैं और सब जगह लोगों की राय भी आ गई है, देख भी लिया है, लोगों को खुशी भी प्रकट हुई है, और कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है। जो भी मीटिंग हुई है उसमें भी माननीय MLA, MLC, MP सब लोगों ने भी अपनी बात कही है, तो सब चीज़ पर भी पूरा का पूरा मीटिंग में एक एक चीज़ का की चर्चा की गई है, और उसके बाद हमने निर्देश दे दिया है कि सब चीज़ को देखते हुए इसके बारे में और करिए। तो अभी लोग पूरे तौर पर आज के बाद जितनी बात आई है उन सब चीज़ों पर यहाँ से एक एक चीज़ को अंतिम रूप वहाँ का सब कुछ देखने के लिए कहा गया लिया जाएगा, और जो कुछ भी नए ढंग से कुछ और करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। समाधान यात्रा आपने नाम दिया था, लोग कह रहे हैं कि यदि समाधान हुआ है, BJP के लोग कह रहे हैं समाधान यदि हुआ है तो मुख्यमंत्री बताएं कहाँ समाधान है। अब बताइए नहीं, सब कोई क्या बोलता है तो उससे हमको क्या मतलब है, ये समाधान ही न है। वो जब साथ में रहे हैं तो उनको नहीं पता है यात्रा का नाम, हम जब बोलते रहे कोई दूसरा आज तक हमको कहा है यात्रा का नाम, यात्रा का नाम सब दिन हम ही तय किए हैं, तो उनको नहीं पता है। अब क्या बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी से बोलते रहते हैं, सबको अपना अधिकार है कुछ भी बोलने का, उसे हमको क्या ना देना है, क्या मतलब है। कई जगह पर लोग आकर के नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग आकर के बात नहीं रखे हैं, आज ही नहीं, क्या मतलब है। इसलिए ये सब बात बोलते रहना तो अपना कोई बोलते हैं, उन सब चीज़ों का जवाब मुझको नहीं देना, लेकिन ये अच्छी तरह जान लीजिए कि इसका जो किया गया था समाधान किस चीज़ कि कहीं कोई कमी है तो उसका समाधान किया जाए, यही ना इसका मकसद है। तो अगर आगे भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसके लिए जो कार्यक्रम करेंगे उसका भी नाम दे देंगे हम समाधान कार्यक्रम, काहे का चिंता कर रहे हैं। इसलिए अभी तो बात हो गई ना, अब इसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग और किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेंगे तो कैबिनेट वगैरह सब में ना बात करके एक एक बात करेंगे फाइनलाइज, कोई नई चीज़ करनी होगी तो अभी अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कहीं के बारे में जो पूरी बातचीत हुई है अगर कुछ करना होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो समाधान का मतलब यही ना है जी कि कहीं कोई कमी है उसको दूर किया जाए, हम लोगों का मकसद तो यही ना है। अब आपको तो पता ही है ना कि हम लोग तो अभी इसका भी अब होने वाला है मीटिंग, जो चौथा राउंड हम करेंगे कृषि रोड मैप का, कृषि रोड, तो जब इतना जगह सब जगह कृषि के बारे में पता चला है तो कृषि रोड मैप का भी चौथा राउंड भी करने वाले हैं, तो सब जगह से तो खबर लिया ही गया, और कृषि रोड मैप के लिए एक मीटिंग भी फिर किसानों के साथ सबके साथ यहाँ भी होगी, तो सब चीज़ करके हम लोग कोई चीज़ करते हैं। इसलिए तो यात्रा का फीडबैक है ना, सब जगह जा करके देखना, कुछ भी चीज़ को करना, तो ये जब मेरी जिम्मेवारी है लोगों के हित में काम करना, सेवा करना, तो हम वही ना करेंगे। अब बाकी कोई क्या बोलते हैं तो इससे हमको क्या मतलब है, हमको कोई उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मतलब काम से। इस यात्रा में कई जगह सर नारे भी लगे कि देश का अगला PM कैसा हो, नीतीश कुमार, छोड़िए ना हम मना करते हैं तभी इस यात्रा के बाद अगला यात्रा कौन सा होगा, देश पे यात्रा निकलने अलग चीज है, अलग बात करिएगा। अभी तो जो पर्पस था हमने बता दिया, जो हम लोगों ने किया है समाधान यात्रा उसका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के हिसाब से आगे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन और कोई राजनीतिक बात करनी होगी तो अलग से ना बतियाएंगे। आज क्या नहीं, कोई भी जा सकते, देखिए राजनीतिक कोई भी काम कहीं भी जाने का तो सबको अधिकार है, उससे क्या मतलब है। अभी ये तो जो कुछ भी किया गया है लोगों के हित में
और सरकार की तरफ से ये सब किया गया है। तेजस्वी जी सर, क्या आपके लिए हेमंत जी से मिले, केजरीवाल से मिले सर, आपका सब लोगों से भेंट मिली? हमसे भेंट नहीं हुई है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आज उन सब चीज़ों पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आज का तो जो भी बात है जो बता दिया, दोनों साथी में है, कैबिनेट विस्तार हो रहा है क्या बिहार में? कैबिनेट विस्तार जल्द हो रहा है क्या बिहार में? चर्चा है, आप दोनों तो साथी में हैं। कैबिनेट में तो कुछ ही जगह खाली है, तो वो बात कर लेंगे लोग, उस पर जब भी चाहेंगे तब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काफ़ी खाली है, वैकेंसी कहाँ, कुछ खास नहीं है, किसी को हटना पड़ा है वो, और एक आध और कोई वैकेंसी है तो उसको ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। सर ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर कल दीपांकर भट्ट कम सर ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर कल दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि आज जितना इस बार है बना हुआ पद तो बहुत न है जी, शायद ही न कभी और इससे ज्यादा कभी रहा है, तो जब इच्छा होगी तब और कुछ हो जाएगा, वो कोई खास बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। 18 तारीख को जा रहे विपक्षी माले ने निमंत्रण दिया है, 18 तारीख को क्या चाहेंगे आप? भाकपा माले ने निमंत्रण दिया है 18 तारीख को, सामने कार्यक्रम रखा 18 तारीख को भाकपा माले का, सब अभी काहे के लिए पूछ रहे हैं? पॉलिटिकल बात आज मत पूछिए, अलग चीज है। ठीक है, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत लोग जा जा के कहाँ कहाँ गए, तो खाली हमारा ही समाधान यात्रा है, आप पत्रकारों का भी समाधान यात्रा है।